के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। जो मैच वगैरह पे शर्त लगाते हैं इनके वालों से इस्लाह इस्लाह क्या करते हैं, इनको लगाने वालों को भी पता है गलत है, इस्लाम में शर्त लगाना हराम है, नॉट एट ऑल, कोई इजाजत नहीं है इसकी। अलबत्ता कुरा अंदाजी दुरुस्त है, कुरा अंदाजी में इनाम निकालना ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें यह नहीं होना चाहिए कि 10 बंदे मिलकर कुरा अंदाजी करें, बाकी सबके पैसे डूब गए, एक को सारे मिल गए, नहीं ऐसा नहीं। वो है कि गवर्नमेंट कोई इनाम रख देती है, जैसे इनामी बॉन्ड रखे हुए हैं, किसी का इनाम निकल आता है, जिसका नहीं निकलता उसके डूबते नहीं है तो वो जुआ नहीं होता, जिसका निकल आता है उसको इजाफी मिल जाता है, तो वो बिल्कुल जायज़ है। प्राइस बॉन्ड, इस तरह के प्राइस बॉन्ड बिल्कुल जायज़ है, जिनमें असल रकम डूब जाए वो गलत है। शर्त लगाना कि जी तू जीत गया तो मैं पैसे देंगा, मैं जीत गया तो तू पैसे देगा, हराम है। जो जीत गया दूसरे को खाना खिलाएगा, हराम है। मैच पे जितने सट्टेबाज, और ये तो इतना बड़ा हराम है कि अल्लाह के बंदो, ये तो ICC को मुसीबत पड़ी हुई है कि जो है वो जुए लग रहे हैं, तो हमें उनमें तक नहीं समझ लगी है। ठीक है जी।